आप कुछ अमेजिंग इनक्रेडिबल व्यूज देखना चाहते हो इंडियन ओशन के, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं पूरा उलुवातु टेंपल में, तो आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरा उलुवातु टेंपल के बारे में, उसकी हिस्ट्री और कुछ बहुत अमेजिंग व्यूज जो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अंदर। जितनी बार भी आप टेंपल में जाओगे आपको ये सारोंग पहनाएंगे ऐसे जैसे ये इसको पहना रहे हैं, ये देखो। तो ये पहनना जरूरी है, ट्रेडिशनल है। गाइस, टेंपल की जो टिकट है वो है 50,000 इंडोनेशियन रुपीस। सुन के डरना नहीं है, ये कम है काफ़ी अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखोगे तो। उलुवातु टेंपल, जिसका पूरा नाम है पूरा लुहूर उलुवातु, इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेंपल इन बाली। उलुवातु टेंपल जो है उसका सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये खुला रहता है, हालांकि वर्शिप करने के लिए ये 24 घंटे खुला रहता है। ये सदर्न मोस्ट ऑफ बाली में सिचुएटेड है, बुकित पेनिनसुला पे। जैसे मैंने आपको बताया लुहूर उलुवातु इसका नाम है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। लुहूर का मतलब है समथिंग ऑफ डिवाइन ओरिजिन, उलू का मतलब है लैंड सैंड और वातु का मतलब है रॉक। ये तीनों चीज़ें अभी आपको, इन तीनों चीज़ों की सेंस बनने लगेगी आपको अभी जब आप देखोगे, क्योंकि एक तो ये रॉक के क्लिफ पे है और दूसरा समुंदर को फेसिंग है, और तीसरी चीज़ जो है ये बिल्कुल जब आप देखते हो तो समुंदर और लैंड का एंड नज़र आता है, मतलब ज़मीन तो दिखती नहीं है और होराइजन टच होता हुआ नज़र आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने प्रूव किया है, जो इसको बनाने में जो पत्थर यूज हुआ है वो उसकी एग्जिस्टेंस कम से कम 10th century के आसपास की है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना पुराना हो सकता है ये। अंटिल 1983 पूरा लुहूर उलुवातु टेम्पल जो था वो हार्डली एक्सेसिबल था, और 1999 में कहते हैं कि यहाँ पे एक बिजली गिरने से काफ़ी सारे एरिया में आग लग गई थी टेंपल के, और जब ये पहली बार बना उसके बाद से काफ़ी बार रिस्टोर किया गया ये टेंपल है। टेंपल के 3 एरियाज हैं, एक एरिया राइट की तरफ जिस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे कि एक जो संत हैं, एक सेज है जो कि यहाँ पे आके जिन्होंने टेंपल को पहली बार निर्माण करने की सोची थी, उनका स्टैचू लगाया हुआ है। एक बीच से सेंटर की साइड को जाता है जो कि बिल्कुल सामने व्यू दिखाता है क्लिफ से समुद्र का, इंडियन ओशन का, और लेफ्ट साइड जो वो मेन एरिया टेंपल का। यहाँ पे अंदर थोड़े से जानवर वगैरह भी हैं, जैसे कि हिरन वगैरह हो गए, खरगोश वगैरह हो गए, काफ़ी सारे जानवर हैं। मैं आपको उन प्रीस्ट के बारे में बताता हूँ। जो होली प्रीस्ट थे वो ईस्टर्न जावा के थे। जावा जो है वो प्रोविंस है इंडोनेशिया में, ईस्टर्न वेस्टर्न जावा करके है, तो वो ईस्टर्न जावा से थे, जिनका नाम था धंग हयांग द्विजेंद्र। ये सामने स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, 5 साल पहले ये स्टैचू बनाया है। उनको धंग हयांग निरर्था के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने उलुवातु टेंपल की जो जगह है इसको अपनी स्पिरिचुअल फाइनल स्पिरिचुअल वर्शिपिंग प्लेस के रूप में उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे करेंगे। जब ये बाली में आए तो बाली के जो किंग थे उनके काउंसलर बने। उस टाइम पे जब ये आए तो प्लेग काफ़ी फैला हुआ था बाली में, तो इन्होंने अपना एक बाल उखाड़ के राजा को दिया और बोला कि इससे जो कि सारे ये जो सफरिंग्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। और एक्चुअली कहते हैं कि ऐसा हुआ भी था, ऐसा मानते हैं। तो ये जो बाल था उनका ये एक टेंपल में प्लेस किया गया, जो कि प्रोमिनेंट शिवाइड पिलग्रिमेज के रूप में बाली में जाना जाता है। निरर्था जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया हिंदुज़म के लिए बाली में, एक नए तरीके से डिफाइन किया हिंदुज़म को, और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया उन्होंने मोक्षा को इंडोनेशिया में। अभी हम लोग जा रहे हैं जो कि सेंटर वाला एरिया है जहाँ से इंडियन ओशन नज़र आता है, सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको देख के थोड़ा थोड़ा, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर व्यूज़ आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड अगर यहाँ से जाएंगे तो टेंपल की साइड आ जाएगा, राइट साइड जो है वो व्यू पॉइंट है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये व्यू, वो देखो लेफ्ट में ऊपर टेंपल दिख रहा है, ये देखो ये पूरा एरिया जो है इंडियन ओशन का एरिया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल लग रहा है। तो अब राइट की साइड में जब चलते हुए जाएंगे तो ये पूरा एंड तक है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो व्यू पॉइंट है वहाँ से पूरा टेंपल सामने नज़र आता है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है इंडियन ओशन। अभी जैसे धंग हयांग द्विजेंद्र के बारे में बात कर रहे थे जो कि सेंट थे, उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे टेंपल बिल्ड किए बाली में, और बाली में हिंदुज़म को डिफाइन एक नए तरीके से किया उन्होंने, और मोक्ष की जो टर्मिनोलॉजी है वो इन्होंने लाई बालीनीज हिंदुज़म में, उसको प्रमोट किया काफ़ी ज़्यादा।
पूरा इंडियन ओशन आगे पीछे पूरा फैला हुआ है एंड तक। आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉट है यहाँ पे, जहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हो और जहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को। मैं आपको दिखाता हूँ, देख के ना दिल खुश हो जाएगा आपका। ये देखो तो आप यहाँ पे गाइज, अगर आप बाली में हो और आप कुछ अमेजिंग इनक्रेडिबल व्यूज़ देखना चाहते हो इंडियन ओशन के, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आके यहाँ से व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पसीने वगैरह बहुत आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर शाम को यहाँ पे आओ, अगर आपको थोड़ा व्यूज़ देखने के लिए आना तो शाम को आओगे तो बहुत अमेजिंग सनसेट वगैरह यहाँ पे होता है। ये तो खाली जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पॉइंट है जहाँ से देखते हैं व्यू पॉइंट। सामने टेम्पल है, वो बिल्कुल सामने ऊपर क्लिफ पे। अब उसकी तरफ जाना है, ये पूरा रास्ता यहाँ से होते हुए जाना है। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं अभी टेम्पल की तरफ और चलते हैं आगे। चलो आ जाओ उसको। ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग पहले होती थी कि यहाँ से चल के यहाँ पे सामने एक पॉइंट था जहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते थे, पर अब ये वेव्स के कारण वो टूट के गिर गया नीचे, तो इसीलिए अब ये बंद कर दिया हुआ है, पक्का ही परमानेंट। नहीं तो पहले यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए जा सकते थे, अब ये परमानेंटली बंद है। चलो आगे चलते हैं। इनका स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने, और ये देखो ये रहा कुंभकर्ण का स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने। कुंभकर्ण की कहानी मेरे ख्याल से रामायण में आपको पता ही होगी। अभी मेन टेंपल एरिया की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि टेंपल का जो एरिया होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया होता है, निष्ठा, मध्यम और उत्तम मंडला करके, ऐसे करके इन्होंने ये डिवाइड किया होता है। निष्ठा एंट्रेंस हुआ, मध्यम जो हुआ वो बीच का एरिया हुआ, और उत्तम जो होता है वो बेसिकली टेंपल का मेन एरिया होता है। ये देखो ये जो अंदर गेट दिख रहा है, ये गेट से अंदर वर्शिप करने की जगह। यहाँ पर नॉर्मली लोगों को अलाउड नहीं होता, खाली अगर आप वर्शिप करना चाहते हो तभी जाते हो। हर 6 महीने में अकॉर्डिंग टू बालीनीज 210 दिन का पावकुन साइकिल होती है इनकी, जिसमें ये टेंपल की एनिवर्सरी मनाते हैं और टेंपल में आके जो है यहाँ पे खाना पीना और ऑफरिंग देना टेंपल में, ये सब वगैरह करते हैं। तो टेंपल को जो टेंपल का जो ध्यान रखते हैं वो रॉयल फैमिली जो है डेनपसार की, वो करती है ये सारे इवेंट को मैनेज। आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाता हूँ आपको ये व्यू। ये देखो इंडियन ओशन का ये व्यू। तो गाइस ये एरिया जो है, ये जो जो टेबल पड़े यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, जैसे ये भैया बता रहे थे यहाँ पे टेंपल में कि हर 6 महीने में ये लोग यहाँ आते हैं फंक्शन के लिए और प्रेयर्स के लिए। तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाना इन टेबल्स पे, और खाने के साथ साथ रेस्ट करना, और यहाँ पे खाना बना के ये सामने किचन है जहाँ पर वो बना लेते हैं। और व्यू देखो सामने कितना अच्छा, कौन नहीं बनाना चाहेगा खाना यहाँ पर। ठीक है तो आगे चलते हैं। गाइस मेन टेंपल जो है वो बंद कर रखा है कोविड के चलते हुए, खाली प्रेयर्स के लिए ओपन है, तो आप बस अंदर जाके प्रे कर सकते हैं। ये हर शाम को यहाँ पे लोकल कल्चरल डांस होता है और रामायण के बारे में बताया जाता है, एक प्ले किया जाता है, वो मुझे समझ आया। मुझे पहले पता भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जितना ज़्यादा ट्रैवल करो तो उतना ज़्यादा पता लगता रहता है। ये व्यू देखो यहाँ से, पिछली साइड से भी जो है ये एक व्यू आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये पूरा जो है ये टेंपल क्लिफ के ऊपर बना हुआ है, कहते हैं कि उसी के कारण इसका जो टेंपल है ये बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल हटके है। पूरे बालीनीज टेंपल्स में अगर आप देखोगे तो इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो यहाँ पे बंदरों का काफ़ी कहर है, इसीलिए कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, अपने चश्मे वगैरह, पर्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह थोड़े से संभाल के रखने होते हैं। पूरा लुहूर उल्लुवातु, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो पर, लेकिन ये लैंग्वेज मेरी समझ के बाहर है तो पता नहीं, जो समझ आया वो आया, खाली ओम शांति ओम बस और कुछ नहीं। ये देखो ये है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये सीधा ऊपर टेंपल की ओर जाता है जहाँ से अभी हम आए, ये रास्ता, और दो एंट्रेंस हैं। ये मेन एंट्रेंस एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी,
यहाँ से मेनली जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे ये बंद कर रखा है, तो इसीलिए दूसरी साइड से घूम के आए थे हम लोग। खा ले भाई खा ले, क्या करेगा लौंडे को खड़ा रखेगा क्या पूरी दिन। ए वेरी नाइस। इस टेम्पल के टूर के साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ पे अगर बंदर अगर आपको कोई सामान ले लेते हैं, जो कि प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो ले लेंगे, तो आप उनको खाना दे के एक्सचेंज कर सकते हो। बंदर समझते हैं सब कुछ, धंधा करना आता है इन बंदरों को अच्छे से। ये अभी देखा था मैंने, एक टूरिस्ट का फ़ोन ही ले लिया था उसका, तो ले कर भाग गए। फिर वो भैया दूसरे जो यहाँ पर गार्ड हैं वो आए, उन्होंने उसको खाने के लिए सामान दिया, तो फ़ोन ले कर आया और वापस फ़ोन कर दिया। मतलब अमेजिंग है। और एक आंटी पीछे बैठी हुई थी, वो भी बता रही थी कि उनका पूरा बैग उठा के ले गया था, तो खाने का सामान दिया तो फिर उसने वापस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें। तो गाइस ये था टेंपल का टूर, और सारी इन्फॉर्मेशन टेंपल के बारे में। एक अलग सी फीलिंग थी क्योंकि बड़ा नेचुरल था, और वो सी कोस्ट देख के बहुत मज़ा आया। लेकिन उन्होंने ड्रोन फ्लाई नहीं करने दिया, 70 pounds मांग रहे थे ड्रोन के लिए। मैंने बोला यार रहने दो, इतने नहीं दे सकता मैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद फ्रॉम बाली, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। कुछ बहुत अमेजिंग लेके आऊँगा।